हमने उसी समय बताया, समय पिक्चर बनी है, हमने कहा भैया ये जो है कश्मीरी पंतों को खतरा है वहाँ पर, क्योंकि नेचुरली ऐसा होता है। 500 करोड़ रुपया कमा के विवेक अग्निहोत्री जी से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने 5 रुपए भी लगा लिए? माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के साथ कुछ ही दिन पहले मैंने उन लोगों को 25 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दी है लोगों को। 25 लाख रुपए दिए वो, इन्होंने जो मैंने अपने सूत्रों से पता किया है कि वो कहीं स्कॉलरशिप नहीं मिली है वहाँ पर, वो मात्र एक जो वहाँ पर स्टूडेंट थे उनको जो है वो पैसा दिया गया कि आप कश्मीरी पंतों का डाटा ले आए। आप कह रहे कि मैंने जगती में दिया लाइब्रेरी में, मुझे एक भी आप दिखा दीजिए, या कहीं पर भी किसी भी पंडित ऑर्गेनाइजेशन को आप दिखा दीजिए कि कहाँ पर आपने 1 रुपया भी दे दिया। मैं चाहता हूँ कि अगर उसने वाकई में मेरे नाम पर मुझे बेच के उसने बेचा है मुझे, मैं कहता हूँ रियल कश्मीर फाइल मैं हूँ, आई एम द आई विटनेस, मैं आज भी ये चीज कर रहा हूँ दावे से। जी थे इनके जो अनुपम खैर साहब की, जिन्हें पता ही नहीं है कश्मीर है क्या, और जिन्हें पता ही नहीं है कश्मीरियत है क्या, हकीकत उस तरीके के लोग जो इनके साथ है, जो कश्मीर, जो कश्मीरी पंडित को बेच रहे हैं। आप बोल रहे हैं मैंने 1 लाख रुपया जगती में दिया, किसको दिया? क्या उन गुंडों को दिया जिन्हें मुझे मरवाने के लिए भेजा था? कश्मीर फाइल ने, मैंने उस समय भी ये कहा था, ये कश्मीर फाइल जो है कश्मीरी पंडितों की फाइल नहीं है, ये बिजनेस फाइल। इसने अगर इतना पैसा कमाया तो वो गया कहाँ? यदि वाकई में उनके अंदर सिंसियरिटी होती विवेक अग्निहोत्री के लिए, तो वो वाकई में आज जो पानी के लिए आज हम तरस रहे हैं 1 महीने से जगती में, वो कम से कम पानी का एक ट्यूबवेल तो बनाता है जिससे हमें कम से कम जो है पानी की प्रॉब्लम पे यहाँ सॉल्व होती है। कितने भी गुंडे लगाओ आप, कितने भी इसमें अपनी जो लगाओ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सच्चे आदमी, हम सच बात बोलेंगे। सुनील जी, जिस तरह लगातार आपने कश्मीर फाइल्स से कहा, उसके बाद आप पे अटैक भी हुए, जाहिर सी बात है सबों ने देखा। अब मुझे बताइए कि कश्मीर फाइल रिलीज हो चुकी है, उसके बाद कश्मीर फाइल ने पैसा भी कमाया अच्छा खासा, क्या आपको लगता है कश्मीर फाइल ने क्या कुछ किया कश्मीरी पंडितों के लिए, क्या फायदे हुए कश्मीर फाइल से, मुझे बताइए। देखिए कश्मीर फाइल ने, मैंने उस समय भी ये कहा था, ये कश्मीर फाइल जो है कश्मीरी पंडितों की फाइल नहीं है, ये एक बिजनेस फाइल है कि पैसा कमाने का जरिया है, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो हर समय बियर चेक बनी है, जिसको भी चाहा उसने इसको बेच बाच के जो अपने अकाउंट में डाल दिया। 500 करोड़ रुपया कमा के विवेक अग्निहोत्री जी से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने 5 रुपए भी लगा लिए? आप बोल रहे हैं मैंने 1 लाख रुपया जगती में दिया, किसको दिया? क्या उन गुंडू को दिया जिन्हें मुझे मरवाने के लिए भेजा था? क्या उन गुंडू को आपने भेजा था? उन गुंडू को दिया था? आप कह रहे हो कि मैंने जगती में दिया लाइब्रेरी में, मुझे एक भी आप दिखा दीजिए, या कहीं पर भी किसी भी पंडित ऑर्गेनाइजेशन को आप दिखा दीजिए कि कहां पर आपने 1 रुपया भी दे दिया। आप इतना जो फिर भी अगर आपने 1 लाख रुपए दिया, मुझे बताया 500 करोड़ जिसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, कुछ भी नहीं देना पड़ा, उसके बाद भी जो है आप इस पिक्चर के नाम पर जो हमें मात्र 1 लाख रुपया बता रहे हैं कि मैंने दिया लाइब्रेरी, मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है। मुझे लगता है कि भारत सरकार जो है इस पर जो है इंक्वायरी बिठाना चाहे कि इसने अगर इतना पैसा कमाया तो वो गया कहाँ। वो यदि वाकई में उनके अंदर सिंसियरिटी होती विवेक अग्निहोत्री के लिए, तो वो वाकई में आज जो पानी के लिए आज हम तरस हैं 1 महीने से जगती में, वो कम से कम पानी का एक ट्यूबवेल तो बनाता जिससे हमें कम से कम जो है पानी की प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व होती, वो कम से कम ये बिल्डिंगों की रिपेयरमेंट करता, वो उन पेशेंटों का इलाज करता कि जिनको जो है ना कोई सहारा ना कुछ, और बेचारे आज भी जो है दर्द दर्द जो है ठोकरे खा रहे हैं, और जो है किसी भी तरीके से जो है ना उनके इलाज हो पा रहे हैं, उसके बाद जो उनकी मृत्यु हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर उसने वाकई में मेरे नाम पर मुझे बेच के उसने बेचा है मुझे, मैं कहता हूँ रियल कश्मीर फाइल मैं हूँ, आई एम द आई विटनेस, मैं आज भी ये चीज कर रहा हूँ दावे से। आप कितने भी गुंडे लगाओ, आप कितने भी इसमें अपनी जो लगाओ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सच्चे आदमी, हम सच बात बोलेंगे, क्योंकि ऐसा जहर जो है हर समय हर एक आदमी ने डाला इस इनके जैसे लोगों के, जैसे विवेक अग्निहोत्री जी है, क्योंकि जो इनके पीछे से जो गुरुजी थे इनके, जो अनुपम खैर साहब की, जिन्हें पता ही नहीं है कश्मीर है क्या, और जिन्हें पता ही नहीं है कश्मीरियत है क्या। हकीकत में जब मैं उनके पास गया हूँ 96 में नोएडा में, तब वो आए थे, मैंने कहा था सर मुझे जॉब चाहिए, क्या था मैं तो कश्मीरी पंडित को जानता ही नहीं। तो वो चीज़ जो है उस तरीके के लोग जो इनके साथ है, जो कश्मीर, जो कश्मीरी पंडित को बेच रहे हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं
500 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और इससे मुझे लगता है अगर कोई फायदा हुआ तो खाली बीजेपी को हुआ और किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि एक तो जो है एक तरफ से इसको जो है बड़ा प्रमोट किया कि हिंदुत्विज्म के नाम पर, यदि वाकई में हिंदुत्विज्म के नाम पर था जेनोसाइड बिल था, अगर वाकई में जेनोसाइड बिल थी क्या तब से अब तक ये पास हुई है? मुझे बताया क्या तब से अब तक क्या पास हुई है जेनोसाइड बिल, क्या पास हुई या कोई उम्मीद है या भारत सरकार कुछ कर रही है उस पर काम? उसके बदले आप देख सकते हैं जो सतीश टिकू जिनका ये बता रहे हैं कि मैंने उनका जो है केस खुलवाया, आपके माध्यम से मैं उनको पूछना चाहता हूं, उनका जब अभी तारीख था पिछले 2-3 महीने पहले, उनके भाई साहब जो थे वो यहां से एयरपोर्ट पे गए श्रीनगर में, दिल्ली से वो एयरपोर्ट पे गए श्रीनगर में, उनको वहां पर सिक्योरिटी नहीं मिली है केस लड़ने के लिए, जो उनका वकील था वो वकील साहब फिर जो आप वापस आए। क्या आप झूठ बोल रहे हो, क्या आप देश को धोखा दे रहे हो? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं विवेक अग्निहोत्री जी को या उनके जैसे लोग जितने भी हमारे देश में हैं, इनके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि इन्होंने अगर इतना पैसा कमाया, ऐसे लोगों ने अगर देश को धोखा दिया तो मुझे लगता है इनके ऊपर एक्शन होना। इन्होंने कहा था कि हमने 2.5 लाख रुपए जो है स्कॉलरशिप दिया मखन लाल चतुर्वेदी। देखिए सर 2.5 लाख नहीं, ये कुछ कह रहे हैं 25 करोड़ रुपया हमने दिए वहाँ, 25 लाख रुपए दिए। वो इन्होंने जो मैंने अपने सूत्रों से पता किया है कि वो कहीं स्कॉलरशिप नहीं मिली है वहाँ पर, वो मात्र एक जो वहाँ पर स्टूडेंट थे उनको जो है वो पैसा दिया गया है कि आप कश्मीरी पंडितों का डाटा ले आए, जितने भी हमारे पुराने पिक्चर्स है वीडियोस है उन पर जो उन बच्चों को लगाया था उनको उसका पैसा दिया। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ना मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, जैसे जिस हिसाब से मैंने इंक्वायरी किया इस पर कि भाई क्या क्या कहानी है, उस हिसाब से तो वहाँ पर किसी बच्चे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है। अगर वाकई में स्कॉलरशिप देते तो ये जो है ओपन में बता दें। और 500 करोड़ में से आप 25 लाख रुपये दे रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है? आप ये दिखाओ ना 500 करोड़ में से आप 300 करोड़ तो कम से कम इस कम्युनिटी को दो, बिल्डिंगें बनाओ कश्मीर में, जो हमारे आज के डेट में जो एम्प्लॉयज है जो वहां पर बेचारे जो आज जो जम्मू में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि मैं मानता हूं जो गवर्नमेंट का फेलियर है कि जिसकी वजह से आज वो यहां पर बैठे, आप उनके लिए वहां पर जो है शेल्टर बना, आप उनके लिए जो वहां पर रहने के लिए जगह बना, आप इस कौम के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए, फैक्ट्री 2-4 बना दीजिए कि जिससे जो है कम से कम ये कौम जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ जो है रोजगार अपना। मुझे बताइए जिस उन्होंने कहा कि मैंने रिसर्च की और रिसर्च के बाद मैंने कश्मीर फाइल बनाई, तो आपने कहा कश्मीर फाइल वो कश्मीर फाइल नहीं जो उन्होंने बनाई है, तो क्या आपको लगता है वो कश्मीर फाइल जो थी एक जहर था? जहर क्या, वो कहर था वो, आप देख नहीं रहे हो जिस हिसाब से मैंने चुके देखे डेमोक्रेसी, आप अपनी व्यू रख सकते हो। अगर मैंने वो व्यू रखी आपने उस समय, आपके चैनल ने भी चलाया और अच्छा खासा वर्ल्ड ने वो चलाया उस समय, पूरे देश दुनिया ने वो देखा, उसके बाद जो इनके गुंडे जो है मुझे मारने पर आए, और जबकि बड़ी शर्म की बात है अभी तक जो है गवर्नमेंट ने LG साहब ने अभी तक जो है उन शरारत पसंदों को जो है गिरफ्तार नहीं किया, उनके ऊपर जो है कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई जो है क्या उनकी मतलब कोई भी जो है एक्शन नहीं हुआ उनके ऊपर। आप ये देख सकते हैं कितना जो है इनके मतलब जो मिले जुले काम जो है कितना इनका चल रहा है, तो इसका मतलब ये साफ साफ सा जाहिर होता है ये पिक्चर जो बनी है ये एक जो है और एक जो है विवाद उठाने के लिए थी, क्योंकि हमारे बच्चे वहाँ पर रहते थे। मेरा हर समय ये मानना है कश्मीर जो है कश्मीर हमारा है, उसमें एक वो गुलदस्ता था उसमें सब लोग जो है रहते थे, लेकिन इन पॉलिटिशियनों ने जो ऐसा जहर उगड़ा वक्त वक्त में जिससे जो है हमें वहाँ पर जो दूरियाँ हुई, आप देख सकते हैं जिस हिसाब से अभी रिसेंटली हमारे कुछ भाई वहाँ पर जो है सर्वाइवल के लिए गए थे, जबकि भारत सरकार बोलते कि हमने इनको रेहबिटेट किया, ये बीजेपी कहते कि हमने इनको रेहबिटेट किया, रेहबिटेट नहीं हुए थे वो, खाली जो अपने सर्वाइवल के लिए गए थे। दूसरा हम लोगों ने भी चाहा था कि ब्रिज जो हमारे आपस में जो दूरियाँ है वो नज़दीक हो जाए, लेकिन वहां पर भी जिस हिसाब से अभी वो किलिंग हुए हमारे भाई लोगों की, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी लापरवाही है सरकारों की, और इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगी तो इससे और ज्यादा जो है जाहिर होंगे। क्या आपको लगता है कि जो कश्मीर में ये मसले हुए आपके कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, ये कश्मीर फाइल जिम्मेवार? 100% हमने उसी समय बताया जिस समय पिक्चर बनी है, हमने कहा भैया ये जो है कश्मीरी पंडितों को खतरा है वहां पर, क्योंकि नेचुरली ऐसा होता है। देखिए सब लोगों को आप खराब नहीं मान सकते हो, कुछ लोग तो ऐसे भी जो आज के डेट में मेरे टच में कि अगर मैं उनको बोलूंगा खून देने के लिए खून देते हैं, अब कुछ लोग ऐसे भी देखिए हर एक कौम में होते हैं फितने परस लोग, हर एक कौम में होते हैं ऐसे दहशतगर्द लोग कि जो आपको जो है बदनाम करते हैं हर एक कौम को, लेकिन आप जो एक आदमी के लिए आप सबों को जो है वहां पर आप ये चीज नहीं कह सकते। और दूसरा ये फेलियर है गवर्नमेंट का, अगर इतना हथियार आ तो आ कहां से रहा, मैं हर एक बार ये वर्ड में बता रहा हूं, अगर इतना हथियार आ तो आ कहां से रहा, क्योंकि इसका जिम्मेदार जो है गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट को ये चीज जो है देखना पड़ेगा कि अगर हथियार आया तो आया कहां से। आप इस चीज को जो है नहीं देख रहे हो कि जो हथियार बॉर्डर क्रॉस करके आया, तो ये तो ऐसी कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, क्योंकि अगर मैं अपने कमरे को बंद करके रखता हूं तो मैं उसको ताला मार देता हूं, कौन जाएगा अंदर,
जब तक न कहीं लीकेज है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, या तो इन लोगों को जो है कुछ पॉलिटिकली कुछ अपना फायदा है कि जिसकी वजह से आज तक जो है जम्मू कश्मीर जो है बर्बाद हो गया इन लोगों की खाली आपकी सियासत से।